खबर आपको दें, एफआईए टीम की पतोकी में बड़ी कार्रवाई। तहरीक इंसाफ के एमएनए तालिब हसन नकई की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर डाली गई 150 फीट सुई गैस लाइन पकड़ी गई। एफआईए ने दो मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आपको बताएं कि एफआईए टीम की जानिब से पतोकी में यह बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां तहरीक इंसाफ के एमएनए तालिब हसन नकई की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर डाली गई 150 फीट सुई गैस लाइन पकड़ी गई। मजीद जान लेंगे, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस कार्रवाई बारे। जी बिल्कुल, एफआईए की जानिब से बताया गया है कि उनकी टीम की जानिब से, जो कि तीन अफसरान पर मुश्तमिल थी, वकास शकील अहमद, मोहम्मद ताहिर और दीगर डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर अफसरान मौजूद थे, वहां पर पतोकी ने बड़ी कार्रवाई की गई और तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली सरदार तालिब हुसैन नकई की मुबैना फैक्ट्री पर छापा मारा गया और फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से गैस की फराहमी की जा रही थी और इसके साथ साथ बिजली भी फराहम की जा रही थी और बिजली की तारों को डायरेक्ट जो है वो उससे लिंक किया गया था, जिससे करोड़ों रुपए का खजाने को नुकसान हो रहा था। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, दो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें जो सरदार हसन नकई है उनके बेटे को नामजद किया गया है, सरदार अहमद अयाज नकई बल्कि सरदार तालिब हुसैन नकई और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पर डाली गई 150 फुट सुई गैस लाइन जो है वो पकड़ी गई है और घरेलू मीटर को इस्तेमाल करके जेरी जमीन फैक्ट्री तक ले जाया जा रहा था। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। शुक्रिया आपका हसन।